नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। हाल ही में दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को भारतीय टेस्ट टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। पिछले लंबे समय से ही अपनी फॉर्म से जूझ रहे दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम से बाहर होने के बाद अपनी अपनी स्टेट टीम की ओर रुख किया। जहां रणजी में रहाणे मुंबई के लिए खेलते दिखाई दिए, तो वहीं चेतेश्वर पुजारा भी सौराष्ट्र के लिए खेलते नजर आए। लेकिन भारतीय दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने अब अपनी फॉर्म को और भी बेहतर करने के लिए काउंटी क्रिकेट का रुख किया है, जहां बल्लेबाज ससेक्स के लिए खेलते दिखाई देंगे। काउंटी चैंपियनशिप में ससेक्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को टीम में शामिल किया गया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने ससेक्स के साथ करार खत्म करने का फैसला लिया है। अब उनकी जगह पुजारा को टीम में जगह दी गई है, लेकिन अब इस टीम में पुजारा को पाकिस्तानी बल्लेबाज का भी साथ मिलेगा। पुजारा के अलावा पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान भी ससेक्स के लिए खेलने वाले हैं। रिजवान टीम में विकेट कीपिंग करते दिखाई देंगे। रिजवान ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान दौरे के बाद वापस लौटेंगे। तब तक टीम में उनके स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज जॉर्ज फिलिप ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसा काफी कम देखा गया है जब भारत पाकिस्तान के खिलाड़ी एक ही टीम में एक साथ खेलते दिखाई दे, लेकिन दोनों के साथ खेलने की खबर ने दोनों देशों के फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है। ससेक्स के साथ अपने करार को लेकर चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि मुझे ससेक्स के साथ जुड़कर खुशी हो रही है, जिनके लिए मैं इस सीजन में खेलूंगा। मैं ससेक्स के लिए खेलूंगा और उनके शानदार इतिहास का हिस्सा बनूंगा। पिछले कई सालों से मैं यूनाइटेड किंगडम में खेलने का मजा ले रहा हूं और अब एक नए सफर के लिए तैयार हूं। उम्मीद करते हैं कि चेतेश्वर पुजारा ससेक्स के लिए अच्छा खेल दिखाते हुए जल्द ही भारतीय टेस्ट टीम में भी अपनी वापसी करें। बाकी की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए वन इंडिया के साथ।